हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम हिंदी ग्रामर के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। और आपको पता है दोस्तों, स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ये पूरा टॉपिक है जो समझ में आ जाए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि दोस्तों आगे भी अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों हिंदी के बहुत सारे अन्य टॉपिक्स की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग होता क्या है, उसके बाद हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म शब्द जिसका अर्थ काम करना है, कु उपसर्ग जुड़ने से कुकर्म शब्द बन जाता है जिसका अर्थ होता है बुरा काम। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग है दोस्तों वो किसी भी शब्द के क्या है आगे लगते हैं, और जब वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं तो एक नया शब्द बनता है और उस नए शब्द का अर्थ है दोस्तों वो क्या है पहले वाले शब्द से बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कर्म है दोस्तों, कर्म कर्म का मतलब है कोई कार्य करना, काम करना, लेकिन कर्म के आगे जब हम कु उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता है कुकर्म, और कुकर्म का मतलब होता है बुरा काम। तो देखा दोस्तों उपसर्ग लगाने से क्या है, जो नया शब्द बना उसका अर्थ भी यहाँ पे बिल्कुल बदल गया। और कभी कभी जो दोस्तों अर्थ है जो वो बिल्कुल अपोजिट भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है देखा, इसके आगे अन उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अनदेखा, और अनदेखा का मतलब होता है न देखा, यानी कि बिल्कुल विलोम यानी कि विपरीत अर्थ भी हो जाता है कभी कभी। तो उपसर्ग आपको सिंपल इतना याद रखना है दोस्तों, किसी भी शब्द के आरंभ में यानी कि आगे वो लगाए जाते हैं स्टार्टिंग में, और जब वो जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिससे जो पुराने वाला शब्द था उसके अर्थ में दोस्तों परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अर्थ उसका बदल जाता है। बस इतना आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है। और बात करें दोस्तों, आपको पता है दोस्तों हिंदी भाषा में ना सिर्फ हिंदी के नहीं जो संस्कृत और उर्दू भाषा के भी कुछ शब्द हैं वो यूज किए जाते हैं। तो हिंदी में दोस्तों हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उसमें कुछ उपसर्ग तो दोस्तों हिंदी के होंगे, कुछ संस्कृत के भी होंगे, कुछ दोस्तों उर्दू फारसी जो अन्य भाषा है और इंग्लिश भाषा के भी होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग कि संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं, आपको याद रखना है कितने होते हैं दोस्तों, 22 होते हैं, एक एक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों कौन सा है, अति। सबसे पहला कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अति। और साथ ही दोस्तों उपसर्ग भी पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी हमें जानना है और कुछ इसके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अति, अति का दोस्तों अर्थ होता है अधिक यानी बहुत ज्यादा, या इसका अर्थ एक और होता है दोस्तों उस पार या फिर ऊपर। तो इसके तीन अर्थ हैं दोस्तों, अधिक के लिए भी इसका यूज किया जाता है या फिर उस पार या ऊपर के लिए दोस्तों अति का यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो उदाहरण, यहाँ पे लिखा है अत्यंत, अत्यंत कैसे बनेगा दोस्तों, अति उपसर्ग लग गया किसमें, अंत में, तो अति प्लस अंत से क्या बनता है, अत्यंत। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने संधि के बारे में पढ़ा था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे देखो इसमें अति में क्या है छोटी ई और अंत में क्या है अ, तो जब भी ई और अ मिलते हैं तो इससे क्या बनता है दोस्तों, अय बनता है, य बनता है, क्या बनता है, य। तो अति प्लस अंत क्या बन जाएगा, अत्यंत बन जाएगा, क्या बनेगा, अत्यंत, और ये त है ये छोटा आ जाता है तो अत्यंत यहाँ पे बन जाएगा। तो अति प्लस अंत बनने से दोस्तों क्या है, अत्यंत। इसी प्रकार अत्याचार हो गया, अतिशय हो गया, अतिरिक्त हो गया, अत्युक्रम हो गया, यहाँ पे देखो दोस्तों अत्युक्रम। तो अतिरिक्त और अतिशय में तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है यहाँ पे अति क्या है, उपसर्ग है, बट दोस्तों अत्यंत, अत्याचार और अत्युक्रम इसमें दोस्तों उपसर्ग आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ये आपको संधि इसका जो विच्छेद है संधि विच्छेद करके यहाँ पे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे अत्यंत का मैंने बताया अति प्लस अंत तो अत्यंत बनता है। तो संधि की वीडियो हमने पहले डाल रखी है, आप वहाँ से एक बार देख सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों अधि, अधि का मतलब दोस्तों समीप भी होता है, समीपता के लिए या फिर प्रधानता के लिए या ऊंचाई या फिर श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। जैसे दोस्तों अध्यक्ष, अध्यक्ष यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, अध्यक्ष कैसे बना, अधि प्लस अक्ष, तो अधि प्लस अक्ष से बना दोस्तों अध्यक्ष। अधिपति, अधिपति यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रधानता की बात है। अधिकारी, अधिकरण, ये सभी दोस्तों इन सभी जो अभी आपने शब्द पढ़े इनमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, अधि यूज हुआ है। तो आपको दोस्तों अधिपति, अधिकारी और अधिकरण में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अधि है, लेकिन जो दोस्तों जिनमें अध्यक्ष है इसमें पता नहीं चलता कई बार स्टूडेंट्स को, और क्वेश्चन क्या आता है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, आपको लिखा लिखा होगा यहाँ पे अ, या कभी कभी लिखा होगा अध, यहाँ पे आधा लिखेगा, ये क्या लिखा होगा अधि,
या एक ऑप्शन में अधि भी होगा, या कभी कभी दोस्तों कुछ और यहाँ पे लिख देता है, या अध्य अध्यय लिख देता है और क्ष अलग लिख देता है। तो अधि इसमें उपसर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मुश्किल से लगते हैं उनको आपने याद कर लेना है, सिंपल को याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों अनु। अनु का अर्थ होता है क्रम या पश्चात या समानता, क्रम पश्चात या समानता। तो सबसे पहला बनेगा अनु प्लस क्रम अनुक्रम, अनुशीलन अनुचार, अनुगामी अनुसार, अनुकरण अनुवाद अनुरूप। तो सभी बिल्कुल इजी है, आपको देख यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सभी में अनु जो उपसर्ग है इजीली दिखाई दे रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि अनु दोस्तों उपसर्ग होता है, ठीक है ना। ये जितने भी 22 के 22 उपसर्ग है संस्कृत के, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। उसके बाद है दोस्तों अप। अप का मतलब दोस्तों अभाव भी होता है, अधूरा भी होता है, हीनता या फिर बुरा के लिए। अभाव और हीनता लगभग एक जैसा इनका मीनिंग है, और अधूरा के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और बुरा बुरा यानी कि आपको पता है तो बुरा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों अपवाद, अप का यहाँ पे यूज हुआ है उपसर्ग का। अपव्यय, यहाँ पे अपकर्ष, अपहरण, अपशब्द, अपयश, अपमान, तो मान का उल्टा हो गया अपमान। तो यहाँ पे दोस्तों अभाव, अधूरा, हीनता या बुरा के लिए अपशब्द का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अप के भी दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी शब्द में अप उपसर्ग होगा आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई मतलब कि ज्यादा दिक्कत जो आपको याद रख रहे हैं वो कौन से वाला है, अति वाला है और अधि वाला, खासकर अध्यक्ष में, और यहाँ पे अत्यंत, अत्याचार और अत्युक्रम में, इनमें इनमें आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। अभी का अर्थ होता है समीपता, अधिकता या फिर इच्छा प्रकट करने के लिए, तो अभी का अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे अभियान, अभिभावक, अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिमान, ये तो इजी से। एक होता है दोस्तों अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय बनता है अभ्युदय, तो अभी प्लस उदय ये बन गया दोस्तों अभ्युदय। एक बार कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, अगर आपने संधि वाली वीडियो देखी है, कि इसमें कौन सी संधि का यूज हुआ है, कौन सी संधि का दोस्तों इसमें यूज हुआ है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो अभ्युदय, अभी प्लस उदय बन गया दोस्तों अभ्युदय। तो इस टाइप के जो मतलब मुश्किल से होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। उसके बाद दोस्तों आ, ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। आ, आ का मतलब दोस्तों सीमा के लिए, समेत के लिए या फिर कमी और विपरीत के लिए भी किया जाता है। जैसे आरक्त, आकाश, फिर है दोस्तों आजन्म, आरंभ, आकर्षण, आक्रमण, आदान, आचरण, आजीवन, आरोहण, आमुख, आमरण, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, और ईजी है दोस्तों, ईजिली पता लग जाएगा आ यानी कि किसमें कौन सा उपसर्ग है आ वाला। तो उसके बाद है दोस्तों उत, ये वाला थोड़ा है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। उत, अब दोस्तों उत्त का मतलब होता है उच्चता के लिए या उत्कर्ष या फिर श्रेष्ठता आदि के लिए, उच्चता, उत्कर्ष या श्रेष्ठता। अब बात करें दोस्तों शब्दों की जिनमें उत्त उपसर्ग का यूज हुआ, जैसे उत्साह, क्या है दोस्तों उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्पल, उत्पत्ति, उद्देश्य। उसके बाद दोस्तों उन्नति, अब उन्नति में दोस्तों कैसे, आपको दोस्तों उसमें बताया था मैंने उन्न प्लस हति उन्नति बन जाता है, उत्कंठा, उद्देश्य, उद्देश्य, त का द बन जाता है दोस्तों, त का क्या बन जाता है द, तो उत प्लस यहाँ पे दोस्तों उद्देश्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा उद्देश्य। तो उसके बाद दोस्तों उन्नति, उत्कंठा, ये वाले आपको अलग से याद कर लेने हैं, जो थोड़े मतलब कि मुश्किल आपको लगते हैं। उत का दोस्तों उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, और यहाँ पे दोस्तों उत्पल और उत्पत्ति में तो इजीली आप याद कर लोगे, लेकिन उद्देश्य, उन्नति और उत्कंठा इनको अलग से याद करना, इनमें दोस्तों उत जो है उपसर्ग का यूज हुआ है। उसके बाद दोस्तों उद, उद का मतलब होता है ऊपर, उत्कर्ष या फिर श्रेष्ठ। इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, ऊपर, उत्कर्ष यानी कि श्रेष्ठ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों किन किन शब्दों में उद का यहाँ पे उपसर्ग का रूप यूज हुआ है, जैसे उदार, उसके बाद दोस्तों उद्रम, उद्दत, उद्यम, उद्घाटन, तो इनमें दोस्तों उद उपसर्ग का यूज हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता दोस्तों, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों अव, अव का मतलब दोस्तों हीनता होता है, अनादर या अवस्था या फिर पतन के रूप में किया जाता है। जैसे अवगत हो गया, अवनत हो गया, अवलोकन हो गया, अवतार, अवशेष, अवगुण, अवज्ञा, अवरोहण, तो ये सभी क्या है दोस्तों इसमें अव उपसर्ग का यूज हुआ है, ये भी दोस्तों ईजी है, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है दोस्तों उप, उप का मतलब क्या होता है दोस्तों, उप का मतलब होता है सहाय, सुदृढ़, गौण या फिर हीनता। गौण यानी सेकेंडरी, यानी दोस्तों आपको पता है एक होता है मंत्री, फिर उस जो सेकेंडरी होता है उसको बोलते हैं उपमंत्री, है ना, उसको बोलते हैं उपमंत्री। तो भेद होते हैं, फिर भेद के भी आगे क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, तो गौण यानी सेकेंडरी के रूप में भी उप का यूज किया जाता है। इसी प्रकार उपदेश, है ना,
उपकार, उपनाम, उपनिवेश, उपवन, उपस्थित। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, उप या उप का यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, भी आप इजीली कर लोगे। उसके बाद दोस्तों दुह, जो कि दुष के लिए या फिर दुर के लिए भी यूज होता है, दुष के लिए दु और इसके आगे लगा विसर्ग, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो दुर एक दुष। संधि में हमने पढ़ा है कि कब दुष लगता है और कब यहाँ पे दुर लगता है। अब यहाँ पे देखो मतलब होता है इसका बुरा, कठिन या फिर दृष्टिहीन, बुरा कठिन या फिर दृष्टिहीन। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों दुरावस्था, दुर प्लस अवस्था ना, दुरावस्था, उस ऐसे दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुराचार, दु प्लस आचार बना दोस्तों दुराचार, दुष्कर्म, दुसाध्य और दुस्साहस आदि। इनमें सभी में दोस्तों क्या है, अगर या तो सिंपली ऐसे लिखोगा दोस्तों विसर्ग लगा के दू, या लिखोगा दूर या दुष, तो दूर या दुष होगा तब भी आपको छांटना है, और सिंपली अगर दू और विसर्ग लिखोगा फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों दुस्साहस या फिर दुष्कर्म इनमें कौन सा है, दुरावस्था दुर्दशा में कौन सा, यानी कि सभी एग्जाम्पल आपको एक बार नजर में से निकाल लेने, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है दोस्तों नी, नी का क्या अर्थ होता है, नी का नीचे या बाहर या भीतर, नी यानी नीचे बाहर या भीतर, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, निकृष्ट, तो इजीली पता चल रहा है यहाँ पे, निपात, नियुक्त, निवास, निमग्न, निवारण, निषेध, निर्मल, निर्विकार, तो ज्यादातर में तो इजीली पता चल रहा है, निर्विकार आप याद रख लेना, निर्विकार, ठीक है ना, तो निर्विकार आप अलग से याद रख लेना। तो ज्यादातर में पता चल रहा है कि नी यहाँ पे क्या उपसर्ग है। उसके बाद है निस, निस का मतलब दोस्तों बाहर या निषेध, बाहर या निषेध, जैसे निस यहाँ पे आया, निस्तेज, निशंक, निसंदेह, निष्कलंक, तो इनमें दोस्तों क्या है, निस उपसर्ग का यहाँ पे यूज हुआ है, निष्कलंक, निसंदेह और यहाँ पे निशंक और निस्तेज में, ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद है दोस्तों परा, परा का मतलब होता है दोस्तों अनादर या नाश, ये विपरीत के लिए, ये पीछे या उल्टा के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे पराजय, पराजय, परिवर्तन, तो परिवर्तन, यहाँ पे दोस्तों पराधीन क्या आएगा, पराधीन, फिर यहाँ पे क्या आएगा, पराभव, क्या आएगा, पराभव, तो इनमें दोस्तों कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है, परा यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, परा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हाँ मुझे अलग लगता है, परिवर्तन में परावर्तन होता है एक, तो दोस्तों परावर्तन, परिवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, परावर्तन, रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो परावर्तन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, परावर्तन, ठीक है ना। तो परा का भी यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पराजय, परावर्तन, पराधीन और प्रभाव। उसके बाद दोस्तों परा के बाद है परी, परा के बाद क्या है, परी, तो परी में आएगा दोस्तों परिवर्तन, तो यहाँ पे आएगा अतिशय या फिर चारों ओर, तो परी में आएगा दोस्तों परिवर्तन, फिर परिपूर्ण, फिर परिच्छेद, परिक्रम, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा परिवर्तन, तो ऊपर तो परावर्तन था क्योंकि परा वाला है ना उपसर्ग, तो परावर्तन में परा उपसर्ग होगा और परिवर्तन में दोस्तों परी उपसर्ग होगा। परी का मतलब चारों ओर, चारों ओर या फिर अतिशय, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है, भी इजीली आप पता कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्र, प्र का मतलब यज्ञ, गति, उत्कर्ष या फिर अतिशय या फिर आगे के लिए होता है, ठीक है ना, जैसे प्रताप, तो इजीली पता चल रहा है प्र है, प्रयत्न, प्रबल, प्रसिद्ध, प्रसन्न, प्रमाण, प्रयोग, प्रचार, प्रस्थान, प्रगति, तो बहुत इजीली है, इजीली आप बता सकते हो। अगर आपके पास मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, प्रचार तो कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्रताप कौन सा प्र है, तो इजीली आप बता सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है प्रति, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रति वाला, प्रति का मतलब होता है विरोध, ये फिर हर एक के लिए भी होता है, ये फिर सामने के लिए भी, हर एक यानी प्रति दिन यानी हर रोज, विरोध के लिए भी होता है, किसके लिए, विरोध के लिए, जैसे प्रतिकूल में या प्रतिशोध, हर एक के लिए भी, सामने के लिए भी होता है, तो प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिकूल, ये तो इजी है, प्रत्येक आपको याद रखना है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, जिससे बनेगा प्रत्येक, प्रति प्लस एक से बनेगा प्रत्येक, तो ये आपको याद कर लेना प्रति में, ठीक है ना। उसके बाद वी, वी का मतलब होता है दोस्तों हीनता, भिन्नता या विशेषता के लिए, हीनता, भिन्नता या विशेषता के लिए, जैसे विशेष, विज्ञ, वियोग, विमुख, विदेश, विभाग, विज्ञान आदि, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, ठीक है ना। आप एक बार जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में से निकाल लेना दो तीन बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। सम, सम, सम का यूज होता है पूर्णता, संयोग या अच्छा के लिए, अच्छा के लिए, संयोग के लिए, पूर्णता के लिए, जैसे संकल्प, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों सम वाला, संकल्प। अब संकल्प में आपसे पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है, आपको ऑप्शन में देगा स, या आपको ऑप्शन में देगा स, या आपको ऑप्शन में देगा सन, सन लिख देगा, और आपको ऑप्शन में देगा सम, तो बहुत कम बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो बिल्कुल भी सम नहीं लगाएंगे, क्योंकि संकल्प सोचेंगे या तो वो स लगाएंगे, स ऊपर बिंदी, या अकेला स या सन लगाएंगे, सम बहुत कम बच्चे लगाते हैं। लेकिन आपको देखना है दोस्तों संकल्प का संधि विच्छेद क्या होता है, सम, सम आता है इसमें, क्या आता है, सम, तो सम यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग लगा होता है, तो ये आपको याद करना है। ऐसे संग्रह, सम प्लस ग्रह, संग्रह, संयोग, सम प्लस योग, संयोग,
संग्रह यहाँ पे दोबारा आ गया, संपत्ति सम प्लस पत्ति संपत्ति, संहार सम प्लस हार संहार। तो इन सभी में दोस्तों क्या है, सम उपसर्ग है, तो आपको याद रख लेना दोस्तों सम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आधे बच्चे क्या लिखते हैं, सन लिखते हैं, ये स लिखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सम वाला, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कन्फ्यूजन होती है। उसके बाद दोस्तों सु, सु का मतलब दोस्तों सुंदर, अच्छा, सरल या सहन, सुंदर सहन अच्छा या फिर सरल। सु यस इजीली पता चल रहा है, सुकर्म ठीक है ना, अच्छे कर्म, सुगम सुकन्या अच्छी कन्या, सुपुत्र अच्छा पुत्र। तो सु, सु तो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, सम वाला आपको याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो, संस्कृत के कुछ अवयव जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत भाषा में दोस्तों कुछ मतलब कि अवयव भी होते हैं जो कि जिनका यूज है जो उपसर्ग की भांति किया जाता है, जैसे अध, अधे का यूज किया जाता है नीचे के लिए, तो अध में पतन जोड़ेंगे तो अध पतन। अब दोस्तों यहाँ पे ना विसर्ग नहीं हटाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों जो संधि वाली वीडियो थी, जब भी विसर्ग के पीछे क्या आता है दोस्तों, विसर्ग के पीछे तो क, क से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड आ जाए या प से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड आ जाए, तो विसर्ग नहीं हटता। जैसे प्रातः प्लस काल आ गया, तो प्रातः काल में दोस्तों विसर्ग नहीं हटेगा। इसी प्रकार यहाँ पे अध, अध प्लस क्या आ गया, पतन आ गया, तो अध पतन, तो यहाँ पे दोस्तों विसर्ग नहीं हटेगा। विसर्ग के बाद जब भी क या प आता है तो विसर्ग नहीं हटता, वो एज इट इज रहता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अध पतन लिखा है। अधोगति यहाँ पे बनेगा अधोगति, ठीक है ना, अध प्लस गति अधोगति, यहाँ पे ओ हो गया विसर्ग का। ऐसे दोस्तों अधोलिखित क्या बना, अधोलिखित, अधोलिखित, तो ये भी आपको थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अलम, अलम इसका मतलब होता है बहुत या बस। अब जैसे अलम, अलम प्लस कार क्या बनता है, अलंकार, अलम प्लस कार बनता है अलंकार। ऐसे अलंकृत, अलम प्लस कृत अलंकृत, अलम प्लस करण अलंकरण, तो अलंकरण अलंकार या अलंकृत। इसमें अगर आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है तो आपको याद रखना है अलम है, ठीक है ना। इसी प्रकार आता है, आता का मतलब अंदर यानी कि भीतर, आता का मतलब अंदर यानी भीतर। अंतर्मन हो गया, अंत्यकाल हो गया, यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद क आया, क से स्टार्ट तो अंत्यकाल, अंतरात्मा अंतर्ध्यान, तो इन सभी में दोस्तों क्या है, अंत, अंत विसर्ग जरूर लगाना है, अकेला अंतर नहीं लिखना या अंत नहीं लिखना, अंत लिखना है, विसर्ग भी यहाँ पे लगेगा, इसका भी ध्यान रखना है। एक होता है चिर, चिर का मतलब दोस्तों बहुत देर, जैसे चिर स्थाई आपने सुना ड्यूरेबल, तो चिर का मतलब लंबे समय तक भी हो सकता है, पुराना भी इसको लिखते कई बार या बहुत देर भी इसको लिख सकते हैं। जैसे चिरायु, चिरकाल, चिरपरिचित, चिरस्थाई यहाँ पे आ गया दोस्तों ड्यूरेबल, तो चिरस्थाई में चिर मतलब उपसर्ग लगा है, चिरपरिचित में भी, चिरकाल में भी, चिरायु में भी, तो चिर तो इजीली है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि चिर भी उपसर्ग होता है। ऐसे तिर, तिर का मतलब दोस्तों निषेध के लिए, तिरोभाव, तिरोहित, तिरस्कार, ठीक है ना, ये इसमें तिर क्या है, उपसर्ग है। एक पूरा भी होता है, पूरा, पूरा यानी पुराना या पहले वाला, जैसे पुरातन या पुरातत्व, पुरातन या पुरातत्व, ठीक है ना। एक होता है पुनः, पुनः तो आपको पता है, जैसे पुनर्चक्रण, रिसाइकिल यानी दोबारा, फिर पुनः का मतलब होता है फिर, जैसे पुनर्जन्म दोबारा जन्म, पुनर्मिलन दोबारा मिलन, पुनरागमन, पुनरागमन होगा शायद, यहाँ पे पुनरागमन होता है, यहाँ पे पुनरागमन लिख रखा है ना, तो पुनरागमन होता है दोबारा आगमन। उसके बाद दोस्तों प्राक, प्राक का मतलब होता है पहले, प्राक का मतलब पहले, तो प्राक का पहले, तो यहाँ पे बनेगा प्रागैतिहासिक। अब इस शब्द में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो इतिहास में एक जोड़ दिया तो ऐतिहासिक, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा प्राक, प्राक में जो क्या जोड़ा, इतिहास, क्या जोड़ा, इतिहास, और फिर जोड़ दिया दोस्तों एक, तो प्राग इति, प्राग इति, यहाँ पे ना दोस्तों जब क होता है आपने पढ़ा होगा संधि में, क का क्या बन जाता है जब इसके पीछे वर्ण यहाँ पे स्वर आ गया तो ग बन जाता है, तो प्रगति यहाँ पे क्या बनेगा, प्रगैतिक, प्रगैतिहासिक बनेगा, क्या बनेगा, प्रगैतिहासिक, तो यहाँ पे प्रगैतिहासिक बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों प्राकथन, प्राकथन में भी दोस्तों प्राक, यहाँ पे क्या है, प्राक है, प्राकथन में भी कौन सा है, प्राक है। उसके बाद बही, अंतर का मतलब अत्य, अत्य का मतलब दोस्तों अंदर होता है और बही का मतलब बाहर होता है, जैसे बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिरंग, ये भी इजीली आप पहचान लोगे। उसके बाद सह, सह का मतलब दोस्तों साथ, जैसे सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सहकारी, सहयोग, सहानुभूति, सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति सहानुभूति, तो इसमें दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है सहानुभूति, इसे पूछ लेगा कि कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है, सह, स है, सहा है, यह सहानु है, यह सह, यह सह है, तो सह यहाँ पे उपसर्ग है, सह प्लस अनुभूति सहानुभूति होगा, इसका आपको याद रखना है। अब दोस्तों हिंदी के कुछ हम उपसर्गों के बारे में पढ़ते हैं जो कि इजी है, जैसे अ है, अ का मतलब दोस्तों निषेध या कोई चीज नहीं है, वहाँ पे अ लगता है, जैसे सफल, इसका उल्टा होगा असफल, कि असफल नहीं है उसको असफल बोलेंगे, तो अ वाले तो बहुत ईजी है, अचेत, अमूल, अजान, अथा, असीम, अगाध आदि, है ना,
तो ईजी है। इसी प्रकार एक अन होता है, अन का मतलब भी होता है नहीं, ये भी ईजी है दोस्तों। जैसे मोल क्या कि अ लगा तो अमोल और अन लग गया तो अनमोल, है ना। जान क्या कि अ लगा तो अजान, अन लग गया तो अनजान। ऐसे अनपढ़, अनदेखा, अनबन, तो ये हमारा क्या है अन, यहाँ पे उपसर्ग जो है बहुत ही ईजी है। उसके बाद है अध, एक अधी भी था दोस्तों, ये आ गया अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध मरा, अध पका, अध जला, तो आधा जला, आधा मरा या आधा पका, उसके लिए दोस्तों हम अध का यूज करते हैं। एक होता है दोस्तों उन, उनका मतलब होता है दोस्तों एक कम, जैसे 60 से एक कम होता है 59, 50 से एक कम होता है 49, 70 से एक कम होता है 69, 80 से एक कम होता है 79, तो उनका मतलब दोस्तों एक कम, एक कम के लिए हम उनका यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों ओ का मतलब है हीनता या निषेध के लिए, हीनता के लिए कोई चीज नहीं है ये निषेध के लिए, जैसे ओघट या फिर ओगुन या फिर ओसर, इनमें दोस्तों क्या है ओ यहाँ पे उपसर्ग का यूज हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ओ नाम का भी कोई उपसर्ग होता है। इसी प्रकार दोस्तों कु और दू, कु का मतलब दोस्तों बुरा, बुराई या नीचता, और दू का मतलब भी बुरा या फिर हीन होता है, जैसे कुचाल, कुपात्र, कुडंग यानी बुरा डंग, दुबला या दुकान, इसमें दोस्तों दू है और ऊपर वाले में कु उपसर्ग का यूज हुआ है। उस प्रकार दोस्तों नी, नी का मतलब भी अभाव के लिए होता है, डर का उल्टा निडर यानी डर नहीं है उसमें, तो निडर, निठल्ला, निकम्मा, निगोड़ा, तो नी का यूज हुआ है। बिन का मतलब भी निषेध होता है, जैसे बिन देखा, बिन ब्याह, बिन चखा, आपने सुना होगा, तो इसमें कौन सा है बिन, यहाँ पे दोस्तों क्या है उपसर्ग यूज हुआ है। एक होता भर, भर यानी कि भर के दो अर्थ है, एक तो ठीक एक पूरा, जैसे भरपूर है ना, भरसक, भरमार, भरपेट, तो भरपेट यानी पूरा पेट भरा हुआ, तो पूरे की बात हो रही है, तो भर के भी दोस्तों इजीली आप पता लगा सकते हो अगर भर उपसर्ग हुआ। ऐसे स, स भी इजी है दोस्तों, अच्छा, स और सु दोनों का मतलब क्या होता है अच्छा, जैसे सपूत, सजग, स यहाँ पे स का है, सुफल में सु, सुपात्र में सु, सुधार, सुडोल में भी सु उपसर्ग का यूज हुआ है। और क, स का उल्टा दोस्तों क होता है, क का मतलब होता है बुरा, सपूत का उल्टा हो जाएगा कपूत, ठीक है ना, तो पर्यायवाची में भी कई बार आ जाता है, सपूत का उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड में कपूत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद न, न का मतलब भी अभाव होता है, जैसे पूता न पूता, पूती न पूती, दीस न दीस, तो नदीस, ठीक है ना, ये न के अभाव, न का जो यूज है ना वो अभाव के रूप में होता है। उसके बाद पर, पर का मतलब होता है दोस्तों आगे या फिर अधिक, पर का मतलब आगे या अधिक, जैसे दादा का भी जो बाप है उसको क्या बोलते हैं परदादा, पर नाना, पर पोता यानी उससे आगे आगे, है ना, पर पोता, तो पर भी यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हिंदी संस्कृत के हमने पढ़ लिए, कुछ दोस्तों उर्दू अरबी फारसी भाषा के भी दोस्तों उपसर्ग होते हैं, आपको सुनने से नाम पता चल जाएगा, जैसे कम, कम का दोस्तों किसके लिए यूज किया जाता है, थोड़े के लिए फिर हीन के लिए, कम का यूज है दोस्तों थोड़ा या फिर हीन के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कम सीन या फिर कम जोर, ये कम वक्त, ये कम हिम्मत, आप दोस्तों इन शब्दों को सुनोगे तो आपको क्या है यहाँ पे आपको मतलब कि खुद ही फीलिंग आएगी अरबी फारसी वाली, है ना, कम वक्त, कम जोर, तो इस टाइप के जो शब्द है ना जो शायर लोग हैं वो यूज करते हैं, कम वक्त, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग है। जैसे खुश, अब आप सुनोगे देखो खुश का मतलब प्रसन्न या अच्छा, आपने सुना होगा दोस्तों खुश दिल, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, तो खुश दिल आपने सुना होगा ना, अरबी फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद दोस्तों अल, अल का मतलब होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, है ना, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग है अल, गैर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, गैर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर वक्त, है ना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। उसके बाद है दोस्तों बद, बद भी सुना होगा दोस्तों आपने, बदकिस्मत आपने सुना होगा ना, या फिर बदकिस्मत नहीं, बदनाम सुना होगा, बदमीज सुना होगा, बदमिजाज सुना होगा, बदबू सुना होगा, तो इनमें कौन सा मतलब कौन सा उपसर्ग है बद, यहाँ पे उपसर्ग है। उसके बाद एन, एन भी दोस्तों आपने अपने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा, जैसे एन वक्त या फिर एन मौका, है ना, एन सुना होगा। उसके बाद दोस्तों बे, बे भी सुना होगा, बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है बे, है ना। उसके बाद कम, कम का मतलब थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर, कमजोर है ना, कमजोर है जिसमें कमजोर, कम सीन या कम वक्त, क्या बोलते हैं कम वक्त, तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग है कम। उसके बाद सर, सर भी आपने सुना होगा ना, सरताज तो पक्का सुना होगा, सरकार, सरहद, तो इसमें कौन सा है दोस्तों सर है। इसी प्रकार ना, ना में का मतलब होता है अभाव के लिए, जैसे नामुमकिन, नामुमकिन, है ना, यानी कि मुमकिन का मतलब क्या है जो मुमकिन है, और नामुमकिन यानी कि मुमकिन नहीं है, तो अभाव, ना वाला, ना पसंद, ना राज, ना लायक, ना चीज, ना दान, इनमें दोस्तों क्या है ना उपसर्ग का यूज हुआ है। उसके बाद देखो दोस्तों ब, ब का मतलब होता है अनुसार, ब का मतलब क्या होता है अनुसार, जैसे ब नाम, बदौलत, या फिर दोस्तों यहाँ पे उसके बाद है हमारा बर, ठीक है ना, इसमें तो बनाम और बदौलत है।
उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा बर, बर का मतलब होता है ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो बर्दाश्त, क्या है बर्दाश्त या फिर बराबर, इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग है बर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लिखे हैं ना, बा का एक होता है बा, बा का मतलब साथ, जैसे बाकायदा, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बाकायदा, कायदा के साथ, तो बा का अर्थ होता है कायदा। एक होता है बिल, बिल का अर्थ भी दोस्तों साथ होता है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है, बिल्कुल आपसे पूछ लेगा बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, तो बिल, बिल यहाँ पे याद रखना, कईयों को पता भी नहीं होता कि बिल भी क्या उपसर्ग होता है, तो ये फारसी भाषा का उपसर्ग है, तो बिल भी होता है, एक बिला भी होता है, बिला, बिला का मतलब बगैर या फिर बिना, बिला का मतलब बगैर, यानी कि बिला कसूर, जिसको बिना कसूर भी बोल देते हैं, बिला लिहाज, ये बिना कसूर भी बोलते हैं, ये बिला कसूर भी बोलते हैं, तो बिला और बिना दोनों बोल देते हैं, बिला लिहाज, ऐसे एक बिना लिखा हुआ है जैसे बिना कसूर या बिना काम, तो बिला और बिना दोनों उपसर्ग के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं पता कब कहाँ पे पूछ ले। ला का मतलब भी बिना होता है, जैसे लाजवाब, क्यों कोई जवाब ही नहीं है, लाचार है ना, लापरवाह, जिसको परवाह ही नहीं है कोई, लापता, जिसका पता ना हो, तो लापता का मतलब भी बिना होता है ना। हम का मतलब होता है बराबर, जैसे हम उम्र, ये आपने सुने होंगे, हम दर्द, हम राज, हम वतन, शायरों में है ना। हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हर रोज, हर दिन, हर साल, हर पल, तो पता होगा इसलिए है ना। उसके बाद दोस्तों कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे सब हो गया, क्या हो गया सब, सब का मतलब होता है नीचे या फिर अधीन, जैसे उप लगता है ना हिंदी में, तो इंग्लिश का उपसर्ग है सब, जैसे सब कमेटी, सब डिस्ट्रिक्ट, सब जज आदि है ना, इस टाइप के दोस्तों हमारे क्या है, इनमें सब जो है उपसर्ग के रूप में है। एक है डिप्टी, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह, तो इसमें डिप्टी होता है जो कि सहायक, इसका मतलब होता है सहायक। उसके बाद चीफ, चीफ तो आपको पता मुख्य के लिए करते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाते हैं ना, मुख्य अतिथि, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, चीफ ऑफ स्टाफ, तो ये होगा दोस्तों चीफ, ये दोस्तों इंग्लिश भाषा का है। उसके बाद वाइस, वाइस का मतलब होता है उप, उप दोस्तों वाइस के लिए होता है, जैसे एक तो होता है प्रिंसिपल, एक हो गया वाइस प्रिंसिपल, एक हो गया चांसलर, एक हो गया वाइस चांसलर, तो वाइस का मतलब होता है उप, उप। उसके बाद जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, तो आपने सुनोगे मुख्य के लिए होता है। ये दोस्तों कुछ उपसर्ग थे, हिंदी के भी पढ़े, संस्कृत के पढ़े, उर्दू फारसी और अंग्रेजी के भी। अब हम दोस्तों प्रत्यय पढ़ेंगे। अब उपसर्ग का एक बात आपको याद रखनी, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं दोस्तों, शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के पीछे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रत्यय किसे कहते हैं, अर्थवान शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण अथवा वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं, अर्थात प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर या फिर शब्दांश है जिसे धातु अथवा शब्द के अंत में लगाकर कोई रूप या शब्द बनाते हैं, जैसे मूर्ख प्लस था मूर्खता, धीर प्लस था धीरता, यहाँ पे त प्रत्यय है, घबराहट में आहट प्रत्यय है। अब दोस्तों प्रत्यय क्या है, सिंपली आपको याद रखना है किसी भी शब्द के अंत में, यानी किसी भी शब्द के बाद उसके पीछे लगाए जाते हैं, और जब उसको पीछे लगाने से जो नया शब्द बनता है ना, जैसे उपसर्ग में क्या आता, अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन दोस्तों प्रत्यय में अर्थ पूरी तरह से नहीं बदलता। अब मूर्ख, मूर्खता, इसमें दोस्तों क्या है, उसका ना जैसे कोई क्रिया थी वो विशेषण बन गई, कई बार विशेषण से दोस्तों क्रिया बन जाती है या संज्ञा बन जाती है, इस प्रकार चेंज होता है, ज्यादा अर्थ वैसे ज्यादा इसमें चेंज नहीं होता, उपसर्ग में दोस्तों अर्थ चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी भाषा में कितने प्रत्यय हैं, ठीक है ना। दोस्तों प्रत्यय दो प्रकार के हैं हिंदी भाषा में, कौन कौन से, एक तो कृत प्रत्यय, कौन से दोस्तों, कृत, कृत का मतलब क्रिया ही होता है, कृत का मतलब क्या है, क्रिया ही होता है। एक होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय, कौन से, तद्धित प्रत्यय, तो नाम याद रख रहे हैं दोस्तों, एक बार दोहराना आप भी, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित, ठीक है ना। कृत का मतलब दोस्तों क्रिया होता है, और तद्धित, कृत को दोस्तों हम कृदंत भी कह देते हैं, क्या देते हैं, कृदंत। इसको क्या बनेगा, कृदंत क्यों कहेंगे, तो कृदंत कैसे बनेगा, कृत प्लस अंत, कृत प्लस अंत से क्या बना, कृदंत। तो दोस्तों क्रिया के अंत में अगर कोई हम प्रत्यय, कोई सब मतलब जोड़ेंगे तो उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, यानी कृत का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया के पीछे कुछ हम जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, तो वो प्रत्यय क्या बनेगा, हमारा कृदंत प्रत्यय बनेगा। ये सिंपल कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय इसको बोल देते हैं। ये भी दोस्तों आगे कितने हैं, अब आपको एक बात याद रखना है, कृत प्रत्यय कौन सा होगा, कब होगा, जब धातु, धातु क्या होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म होती है ना जो, उसको क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं, जैसे जा, जा क्या है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप है, इसके पीछे ता लगा दो जाता, तो जाता बन गया क्रिया। ऐसे आ, आ क्या है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप है, धातु है, तो इसके पीछे ना लगा दो आना, है ना, या आता, यह हमारी क्या बनेगी, क्रिया बनेगी, तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। तो जब धातु के अंत में दोस्तों कोई प्रत्यय लगता है या कोई भी शब्दांश कुछ भी लग जाता है तो एक नया रूप बनता है,
और उसी को हम क्या कहते हैं, कृत या फिर कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके दोस्तों देखो कुछ चार पार्ट होते हैं, इसके चार प्रकार के होते हैं कृत प्रत्यय। एक तो कर्तृवाचक, कर्तृ यानी कर्ता, जिसमें क्या है दोस्तों, कर्ता बने यानी जोड़ने के बाद कर्ता का एक भाव हमें दिखे, ठीक है ना। एक होता है कर्मवाचक, कर्ता यानी सब्जेक्ट को बोलते हैं। एक होता है कर्मवाचक, कर्म दोस्तों ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। एक होता है भाववाचक, भाववाचक दोस्तों, ठीक है ना। एक होता है क्रियावाचक, कृत प्रत्यय। तो चार होते हैं दोस्तों, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब एक एक करके दोस्तों इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कृत प्रत्यय आपको पता चलेगा चार टाइप के। सबसे पहले कर्तृवाचक, कर्तृवाचक यहाँ पे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय धातु कर्ता अथवा अर्थात क्रिया करने की वाले की ओर संकेत करता है। देखो दोस्तों, जब भी किसी क्रिया के जो मूल मतलब क्रिया का जो भी मूल रूप होगा, धातु होगी, उसके अंत में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे और जो जोड़ने के बाद जो नया मतलब कि वर्ड बना, शब्द बना, उस शब्द से किसका के बारे में हमें पता चलता है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, यानी कुछ सब्जेक्ट बनता है, कुछ कर्ता बनता है, उस काम को करने वाला बनता है। जैसे दार है, दुकान के पीछे मतलब कि दुकान तो नहीं, दुकान तो हमारी क्रिया नहीं है, देन देना दे क्रिया है, तो देन के पीछे दार लग गया, देनदार बन गया, तो एक मतलब कि एक सब्जेक्ट बन रहा है देनदार, कोई काम देने वाला है जो उसको देनदार बोलते हैं, तो क्रिया करने वाला है, तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे हमें पता चल रहा है, कर्ता के बारे में पता चल रहा है, तो एक कर्तृवाचक कृत्य हो जाएगा, कृत प्रत्यय। एक होता है लेन, लेन के पीछे दार लग गया, लेनदार, ऐसे धारदार, धारदार। तो मतलब कि इन शब्दों से हमें किसी कर्ता के बारे में पता चल रहा है, क्रिया करने वाले की, और ये संकेत कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। हार लिखेंगे, हार, होनहार, तो कोई ना कोई तो होगा होनहार, यानी कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई करता। ऐसे पालनहार, उतारनहार, खेवनहार, तो खेवनहार, तो ये क्या है दोस्तों, मतलब कि उस क्रिया को करने की ओर संकेत करें, यानी कि एक कर्ता की तरफ संकेत हो रहा है, इसलिए कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो गए। वाला, अब बचाने वाला, तो कोई ना कोई तो होगा, खाने वाला, रखवाला, तो कोई ना कोई तो करता है, है ना, तो कर्ता की ओर यहाँ पे संकेत है। आलू, झगड़ालू, कृपालू, लज्जालू, है ना। उसके बाद एया, एया से क्या बनेगा, बजैया, खवैया, बचैया, तो ये बना दोस्तों एया से। आऊ तो आपने सुना होगा, बिकाऊ, टिकाऊ, टकराऊ, कमाऊ, है ना। एक होता है अक्कड़, भूल के पीछे लगा तो भुलक्कड़, घुमक्कड़ या पियक्कड़ होता है पीने वाला, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। उसके बाद अक, अक भी दोस्तों बहुत बार आता है। धावक, धाव प्लस अक धावक, चालक, चाल प्लस अक चालक, पाल प्लस अक पालक, धारक, मारक, तो इसमें क्या है, अक है। एक होता है आक, चालाक और तैराक में कौन सा प्रत्यय, आक, तो ये कुछ प्रत्यय है। इनमें दोस्तों कोई भी जो वर्ड बना, जैसे चालाक बना, ये क्या बने, कर्ता बना, है ना, क्या बना, कर्ता बना, यानी कि चालाक क्या बना, एक कर्ता बना, और चाल क्या था, एक क्रिया थी, और इसमें जोड़ा आग, तो क्या बना, चालाक, तो कर्ता का बोध हो रहा है, किसका, कर्ता की एक फीलिंग आ रही है यहाँ पे, कर्ता की ओर संकेत है, इसलिए इसको कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय का मतलब दोस्तों क्रिया के पीछे प्रत्यय जुड़ेगा और नया सेंटेंस बनेगा जब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कर्म की तरह, किसकी तरह एक्ट करेगा, जैसे कि वो कर्म हो, है ना, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो पाल, पाल क्या है, क्रिया है, मूल धातु है, इसके पीछे लगा ना, तो क्या बन गया, पालना, और पालना क्या है दोस्तों, कर्म है, पालना किसकी ओर संकेत कर रहा है, कर्म की तरफ। ओढ़ना, नहाना, पढ़ना, तैरना, बुलाना, ये सभी दोस्तों कर्म की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नी, नी से बना ओढ़नी, बिछोनी, सूंघनी, कहानी, ये भी दोस्तों कर्म की तरफ यहाँ पे इशारा हो रहा है। ओना, खिलौना, बिछोना। एक होता न, झाड़न, बेलन, कतरन, तो ऐसे भी दोस्तों हमारे क्या है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों भाववाचक कृत प्रत्यय, तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जिनसे जब कृत प्रत्यय है, जब वो मतलब कि कोई भी एक मूल रूप है क्रिया का, है ना, मूल धातु है, उसके पीछे अंत में प्रत्यय लग गया, तो एक नया शब्द बना, और उस शब्द से क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की रचना हुई, यानी वो शब्द है तो कैसा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे आई लग गया, किसके पीछे, लिख, लिख मूल धातु है, इसके पीछे लगा आई, तो बन गया लिखाई, तो लिखाई क्या, एक भाव ही तो है, लिखाई क्या दोस्तों, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। सिखलाई, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, ये सभी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार आहट, आहट लगने से घबराहट, चिल्लाहट, जगमगाहट, है ना, तो एक भी क्या है दोस्तों, भाव है। उसके बाद आव, आव से बना चढ़ाव, उतार, उतराव या उतार, है ना, उतराव हो गया, बनाव हो गया, बचाव, ये भी क्या है दोस्तों, फीलिंग्स है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा बनी, है ना। आवा से बना बुलावा, चढ़ावा, पहनावा। आन से बना थकान, उड़ान, उठान। आज से बना विश्वास, प्यास, हास, ये सभी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो जब दोस्तों कृत प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना होगी, तब वो भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी जब किसी मूल धातु में कुछ मतलब प्रत्यय जोड़ा, उसके बाद वो क्रिया ही बनी, क्या बनी, क्रिया बनी। जैसे आ में बना ता, आ में जोड़ा ता, तो आता, क्रिया है। जा में जोड़ा ता, तो जाता, क्रिया है।
जावा जोड़े ते जाते आते खाते, इसे भी क्या क्रिया बनी, यानी कि प्रत्यय जोड़ने के बाद क्रिया बनी, तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय। उसके बाद आ ए या जोड़ेंगे, उठ में जुड़ा आ तो उठा, चला गया आया, है ना, आया। आ में या जोड़ा तो आया, ग में ए जोड़े तो गए। तो ये भी दोस्तों क्या हमारे प्रत्यय हैं, कैसे है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय प्रत्यय क्यों है? क्योंकि क्रिया में जुड़े हैं। और क्रियावाचक क्यों है? क्योंकि जुड़ने के बाद भी क्रिया बनी है, जुड़ने के बाद भी क्या बनी है? क्रिया बनी है, इसलिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रिया में जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय, और जुड़ने के बाद जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे नाम लग जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनी तो भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्म बना तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय, मतलब कर्ता बना जुड़ने के बाद तो कर्तृवाचक यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अब दूसरा टाइप क्या होते हैं दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। कौन से? तद्धित। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं। देखो दोस्तों, कृत, कृत का मतलब होता है क्रिया, तो जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगते हैं वो तो होते हैं कृत प्रत्यय। लेकिन दोस्तों क्रिया को छोड़ के जो भी बचा, क्या बचा? संज्ञा बची, सर्वनाम विशेषण बचे, क्रिया विशेषण बचे, इन सब के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्रिया के अंत में लगने वाले कृदंत या फिर कृत प्रत्यय, लेकिन क्रिया को छोड़ के बाकी कोई भी संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण हो, उनके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आदि के अंत में लगभग अनेक प्रकार बना, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, कुछ लिखा होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आदि के अंत में लगकर अनेक प्रकार के शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित, ठीक है। तो मतलब कि आदि, अच्छा इसका मतलब ये है दोस्तों, आदि का मतलब ये वाला आदि लिखा है कि क्रिया विशेषण आदि कुछ भी हो, तो संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकता है, उनके अंत में जब भी कोई भी प्रत्यय लगेगा और एक नया शब्द बनेगा तो उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ठीक है ना। क्रिया को छोड़कर, क्रिया वाले को तो कृत कहते हैं, तो क्रिया कृत एक ही बात है। अब इसके दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? सात प्रकार के। कौन कौन से? एक तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक, है ना, गुणवाचक, लघुवाचक, क्रमवाचक। और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि सात है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, नाम से ही पता चल जाएगा इनका, किससे? नाम से ही, ठीक है ना। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो एक बात तो आपको पता चलेगी, कृत प्रत्यय कैसे पता चलेगा? जब प्रत्यय है जो क्रिया के पीछे लगा, तो मूल रूप देख लेना क्रिया का, अगर क्रिया के पीछे नहीं लगा तो तद्धित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले वाला भाववाचक ही देखते हैं, जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दोस्तों अगर कोई तद्धित प्रत्यय ऐसा हुआ जब प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनेगा हमारा, है ना, वर्ड बनेगा, वो क्या होगा? एक मतलब कि भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पे देखो, ता, मूर्ख के पीछे त लगा तो मूर्खता, तो मूर्खता क्या है? एक तो आप देख सकते हो भाव है, मूर्खता क्या है दोस्तों? एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा बनी, यानी कि फिर कौन सा यहाँ पे मतलब हो जाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ता लगा मनुष्य के पीछे तो मनुष्यता, लघुता, सरलता, प्रभुता, ये सभी दोस्तों भाव है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बनी है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। त्व, गुरुत्व, महत्व, पुरुषत्व, अपनत्व, तो यहाँ पे दोस्तों क्या भाव है? एक पन, बचपन, लड़कपन, पतलापन, पीलापन, बड़प्पन, ये भी दोस्तों क्या एक भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है ना। आहट, लिखाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, गर्माहट, ठंडाहट, ये भी दोस्तों क्या भाव है? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, तो बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद कर्तृवाच्य, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय आपको पता है, कोई भी संज्ञा, सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया विशेषण होगा, उसके बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनको तद्धित, और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बना अगर वो किसी कर्ता की ओर संकेत करने वाला शब्द बना है तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, दार लगा, दार, दार से बना ईमानदार। अब ईमानदार तो ईमानदार क्या है? व्यक्ति की ओर अगर यहाँ पे ईमानदारी होता, ईमानदारी, तब तो दोस्तों ये क्या बनता? भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी एक भाव है। लेकिन ईमानदार तो कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई सब्जेक्ट है, तो कर्तृवाचक हो जाएगा। कर्जदार भी कोई ना कोई तो है, कर्जदार सब्जेक्ट हम इसको मानेंगे, कर्ता, समझदार आदि, ये सभी दोस्तों क्या है? कर्ता की ओर संकेत कर रहे हैं, तो कर्तृवाचक हो जाएगा। आर में जैसे लुहार, सुनार, चमार आदि, तो इससे भी दोस्तों क्या है? इससे भी क्या है दोस्तों? कर्ता की ओर संकेत हो रहा है, तो कर्तृवाचक। आरी, भिखारी भी क्या है? कोई ना कोई तो है, कर्ता, सब्जेक्ट, पुजारी, जुआरी, पंसारी, ये भी दोस्तों क्या है? कर्ता की ओर संकेत करें, तो कर्तृवाचक। सिमिलरली वाह, चरवाहा हो गया, हलवाहा हो गया, है ना, जुलाहा भी होता है। ई, ई से क्या बना? अब ई से संयम प्लस ई संयमी, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, तेल प्लस ई तेली, काम प्लस ई कामी, तो इनसे भी किसी ना किसी का पता चल रहा है, ज्ञानी का, ये भी सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, कर्ता की ओर, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाचक। उसके बाद कार, नाटककार, स्वर्णकार, साहित्यकार, संगीतकार, पत्रकार, कहानीकार, कोई भी कार हो सकता है ना, तो इससे भी सब्जेक्ट की ओर इशारा हो रहा है, तो कर्तृवाचक। इसे अक होता है, जैसे अध्यापक,
शिक्षक, पाठक, लेखक, तो अक भी लगता है दोस्तों प्रत्यय, तो आपसे पूछ लेगा अध्यापक में कौन सा प्रत्यय है, तो अध्यापक में कौन सा प्रत्यय दोस्तों अक प्रत्यय है, पाठक में कौन सा अक है, ये तो इजी है ना, साहित्यकार में कौन सा अकार है, चरवाहा में कौन सा वाह है, तो ये भी प्रत्यय आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जब कोई शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग होगा, कैसा होगा स्त्रीलिंग, तो वहां पे कौन सा होगा स्त्रीलिंग, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कैसे आ लग गया, आ छात्र में आ लगा छात्रा बन गया, तो गर्ल है लड़की की यहाँ पे वो है तो स्त्रीलिंग हो गया। शिष्य में आ लगा शिष्या, दुहित में लगा दुहिता, अध्यापक में लगा आ तो अध्यापिका, बाल में लगा तो बाला, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है हमें, स्त्रीलिंग बन गए शब्द, तो स्त्रीलिंग की रचना हुई है, तो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय है ना, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ई, ई लगा कैसे, देव में लगा ई देवी, तो स्त्रीलिंग बन गया। नर का बना नारी, स्त्रीलिंग बन गया। चाचा का चाची, नाना नानी, बेटा बेटी, तो बेटी बन गया, तो स्त्रीलिंग बने, तो स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। सिमिलरली आनी, आनी के क्या बनेगा, देवरानी, नौकरानी, जेठानी, इंद्रानी, तो क्या बना इनसे, कैसा इनको सुनने से क्या आ रहा है, पत्नी क्या है, स्त्रीलिंगी तो है, शेरनी, मोरनी, सिंहनी, ये सभी क्या स्त्रीलिंग तो है, श्रीमती, बुद्धिमती, धीमती, सभी स्त्रीलिंग तो है, तो जितने भी प्रत्यय दोस्तों ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय हमारे, मति, इन, सी है ना, जैसे विदुषी, महिषी है ना, आप पढ़ सकते हो, दोबिन, लुहारिन, सुहागिन, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग प्रत्यय, नाम से पता चल रहा है। अब दोस्तों जब तद्धित प्रत्यय के योग से जो बनेगा वो क्या बनेगा, गुणवाचक विशेषण बनेगा, क्या बनेगा, गुणवाचक विशेषण बनेगा, तो विशेषण बनेगा तो गुणवाचक बनेगा वो भी, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे, यहाँ पे देखो ई लग गया, क्या लग गया, ई, तो ई लगेगा क्या होगा, धनी होगा है ना, मानी, ज्ञान के पीछे लगा ज्ञानी, सुखी, पंजाबी, हिमाचली, गुलाबी, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, गुणवाचक। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जो ज्ञानी है ये दोस्तों कर्तरी में भी आ गया, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति है वो गुणवाचक में भी आ गया, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये तो पता है ना तद्धित प्रत्यय है, और आपको इतना तो पता है इसमें प्रत्यय क्या है, इतना पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या है, ज्ञान प्लस ई, ज्ञान प्लस ई, तो कौन सा यहाँ पे ज्ञानी है। अब ज्ञानी जो बना दोस्तों वो कर्तृवाचक भी हो सकता है और गुणवाचक भी हो सकता है, ऑप्शन में अगर कर्तृवाचक हुआ तो उसे लगा देना, गुणवाचक हुआ तो उसे लगा देना, दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों नहीं होंगे अगर मतलब क्वेश्चन आया तो कोई एक होगा, ये फिर सीधा पूछेगा कि ज्ञानी में मतलब कि वो क्या है, मतलब कि प्रत्यय क्या है, इस टाइप से पूछेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। इन, इन से बना गमगीन, शौकीन, रंगीन, नमकीन, तो ये क्या है, गुण है, तो है गुण तो है, नमकीन क्या है, गुण है, ज्ञानी क्या है, गुण है, है ना, शौकीन क्या है, गुण है, ठीक है, तो गुण, मंद से बना अकलमंद, फायदेमंद, ठीक है ना, दार से बना दुकानदार, हवलदार, जमींदार, सरदार, ठीक है, इया से बना अमृतसरिया, लाहौरिया, जलंधरिया, तो ये भी एक गुण बता रहे हैं कि कहाँ का है भाई, कौन सा लाहौरिया है भाई, जलंधरिया है, अमृतसरिया है, फलाना है, ठीक है ना, तो ये भी गुण ही तो आएगा। उसके बाद ईला, रंगीला, सजीला, रसीला, जहरीला, तो ये भी गुण है ना, ऊ, पेटू, बाजारू, बाबू, गुमारू, ऊ भी एक प्रत्यय होता है, आना भी प्रत्यय होता है, जमाना, मर्दाना, सलाना, फुसलाना, बहलाना, एरा भी प्रत्यय है, जैसे सपेरा, भूतेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, सुने होंगे आपने, ऐसे अवी भी होता है, अवी यानी हरियाणवी, देहलवी, लखनवी, तो ये क्या है दोस्तों प्रत्यय है, अवी भी एक प्रत्यय है। आलू, दयालु, कृपालु, है ना, दयालु कृपालु में आलू लगा है। इक भी होता है राजनीतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, शारीरिक, मानसिक, तो इक लगा है इनमें। एक होता है ई है, राष्ट्रीय, स्थानीय, देशीय, पर्वतीय, विदेशीय, तो इनमें क्या लगे, ये प्रत्यय लगे है। ऐसे ही दोस्तों वान होता है, और ये जो सभी शब्द है ना दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण है, अगर आप इनको ध्यान से देखो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे धनवान, धनी और धनवान, दोनों दोस्तों विशेषण है ना, गुणी और गुणवान दोनों विशेषण है। ऐसे विद्वान भी क्या है, विशेषण है, और कौन सा प्रत्यय लगे इनमें, वान लगा है। एक होता है मान, बुद्धिमान, शक्तिमान, तो मान प्रत्यय लगे है, ठीक है ना। उसके बाद आ भी होता है, क्या होता है, आ, भूखा, प्यासा, है ना, हला, रूपहला, सुनहला, तो ये सभी दोस्तों क्या है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक होते हैं बहुवचन, बहुवचनवाचक, बहुवचनवाचक, यानी जब तद्धित प्रत्यय, क्या जब भी कोई मतलब किसी शब्द में प्रत्यय लगा और प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बना वो क्या हो गया, बहुवचन बन गया। जैसे लड़का में लगा ए तो लड़के बहुवचन बन गया, तो बहुवाचक, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। रुपया में ए लगे रुपये, कमरा कमरे, उठा उठे, घोड़ा घोड़े, मोटा मोटे, तो ए लग गया, बहुवचन बन गया, तो बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। सिंपल सी, ए भी होता है ए, कन्या प्लस ए कन्याएं, बहुएं, सड़क प्लस ए सड़कें, भाषाएं, तो ए प्रत्यय लग गया और बहुवचन बन गया, तो बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बहुत ईजी, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रत्यय यहाँ पे है, मेन तो ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय कौन सा है बस, ठीक है ना। लघुतावाचक, लघु का मतलब होता है दोस्तों छोटा, छोटे टाइप का,
जब तद्वित प्रत्ययों के प्रयोग से लघुता का बोध हो, किसका बोध हो, लघुता का, जैसे संदूक आपने सुना होगा और डी लगा दिया संदूकड़ी, तो एक लघुता का यानी छोटी चीज का बोध हो रहा है। पहाड़ और पहाड़ी, तो पहाड़ी से छोटी चीज का बोध होता है ना, लघुता का मतलब छोटी चीज का बोध होता है, छोटेपन का। तो बछड़ी टुकड़ी है ना, तो गठड़ी पंखुड़ी, तो यहाँ पे लघुता यानी छोटी चीज का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे एक तो संदूक हो गया, एक संदूकड़ी, तो छोटी सी यानी कि एक छोटी चीज का बोध हो रहा है लघुता का, तो लघुतावाचक हो जाएगा, है ना। ऐसे ई और डी वाला आपको याद रख रहे हैं, लघुतावाचक में आता है। कर्मवाचक, तो कर्मवाचक में क्या होगा, है ना, जैसे जिन तद्वित प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द के क्रम में, शब्दों में क्रम का ज्ञान हो, अच्छा क्रम का पता चलो। अब कर्मवाचक में दोस्तों आपको याद रखना, जो संख्यात्मक वाले हैं ना उनके पीछे लगते हैं ज्यादातर ये, किसके, संख्यात्मक नंबर, जैसे चार, चार संख्यात्मक नंबर है, संख्यात्मक वर्ड है, शब्द है, तो चार के पीछे गुना लगा, चार गुना, छह गुना, दो गुना, ऐसे ही एक वां होता है, बीसवां, पांचवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, ना ऐसे ही एक होता है सरा, दो के पीछे सरा लगा दूसरा, ती के पीछे सरा लगा तीसरा, ऐसे ही, ठीक है ना, सरा वां गुना, ये हमारे क्या है दोस्तों, कर्मवाचक तद्वित प्रत्यय हैं। तो ये हमारे दोस्तों कुछ प्रत्यय थे, दो प्रकार के पढ़े हमने, ठीक है ना, कृत और यहाँ पे दोस्तों तद्वित। कृत में भी कुछ टाइप पढ़े, क्रिया के पीछे लगते हैं, तद्वित में दोस्तों क्या है, क्रिया को छोड़ के बाकी सबके पीछे लगते हैं, तो हमने टाइप पढ़े। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, कुछ ऐसे पांच प्रत्यय आपको बताने जिनमें दो उपसर्ग हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं सुप्रतिष्ठित, इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, एक तो सु है, एक प्रति, तो सु प्लस प्रति, ये दोनों उपसर्ग हैं, तो इससे मतलब सुप्रतिष्ठित, है ना, सुसंगठित। अब यहाँ पे देखो गठित है, क्या था, गठित, इसके आगे दोस्तों लगा सम, तो ये बना समगठित यानी संगठित, इसके आगे भी लगा सु, तो सुसंगठित बन गया, तो सु और सम दो यहाँ पे क्या है, उपसर्ग लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, उपसर्ग। ऐसे ही उपसर्ग है अब दोस्तों, अन और आव, अनाव और उसके बाद लगा धान, तो अनावधान, दो उपसर्ग है। अ और सु और रक्षित, असुरक्षित, रक्षित से बना सुरक्षित और सुरक्षित से बना असुरक्षित, फल से बना सफल और सफल से बना असफल, तो यहाँ पे दो प्रत्यय, दो उपसर्ग का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आपको याद रखना है थोड़ा ना, जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे, सीखने की इच्छा रखोगे, उतना चीजें आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी, जितना आप सोचोगे मुश्किल है तो कभी नहीं आएगा। तो आसान सोच के समझ के किया करो, रटना नहीं है, रट्टा मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझना है, ठीक है ना। रटने की कुछ चीजें होती है माना, लेकिन पहले समझना है कंसेप्ट, फिर जो एक आधी चीज रटने की भी होती है माना है, तो पहले समझ के फिर थोड़ा बहुत करना याद, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द जिनका निर्माण उपसर्ग प्रत्यय दोनों की सहायता से किया गया, अच्छा कुछ ऐसे शब्द बताने जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है, जैसे मानता, मान में लगा अप तो अपमान, और इत लग गया तो अपमानित, तो प्रत्यय भी उपसर्ग भी है ना। ऐसे ही मान है ना, तो सम्मान, इत सम्मानित, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे सम यहाँ पे क्या है, दार लिखा है ना, यहाँ पे सम्मानित, अच्छा सम्मानित है, उसके बाद अनुदारता, अनुदारता, फिर यहाँ पे दुस्साहसी, फिर यहाँ पे दोस्तों बेचैनी, बे प्लस चैन प्लस ई बेचैनी, परि प्लस पूर्ण प्लस ता पूर्णता, अभिमान ई अभिमानी, निश्चिंता चिंतता, नी प्लस चिंता निश्चिंत है ना, फिर ता लगा निश्चिंतता, सह प्लस कार प्लस ता सहकारता, सहकारिता बनेगा, क्या बनेगा, सहकारिता, फल में अजोड़ा अफल और ता असफल, अच्छा सफल में अजोड़ा असफल और ता असफलता, या स जोड़ा तो सफलता, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों चीजें भी इकट्ठे हो सकती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भाववाचक जो कृत प्रत्यय पढ़े और भाववाचक तद्वित प्रत्यय, अब दोनों में फर्क क्या है, देखो दोस्तों कृत प्रत्यय में क्या है, क्रिया के पीछे मतलब शब्द जोड़ा जाता है, और तद्वित प्रत्यय में क्रिया को छोड़ के जो भी कुछ भी हो सकता है, जैसे चाहे वो संज्ञा विशेषण सर्वनाम कुछ भी हो, क्रिया को छोड़ के कुछ भी हो, तो उसके अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद दोनों में क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा ही बनती है। तो जो कृत प्रत्यय, यहाँ पे देखो जो क्रिया, जो कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उनको तो भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे लिख से बना लिखाई, पढ़ से पढ़ाई, जब, ठीक है ना। लेकिन जो भाववाचक तद्वित प्रत्यय है वो कैसे बनते हैं, संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बस यही फर्क है, कृत यानी क्रिया, तो क्रिया के बाद जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय, तद्वित यानी कि क्रिया को छोड़ दो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकता है, उनके पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको दोस्तों जुड़ने के बाद जो बनता है उसको तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। और अगर भाववाचक संज्ञा बनी है तो भाववाचक तद्वित प्रत्यय, इसमें भाववाचक बनी है तो भाववाचक कृत प्रत्यय, ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय यह आपको थोड़ा याद रखना है, पीला से पीलापन, बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यपन, मनुष्यता, सॉरी, तो ये बने हैं कुछ एग्जाम्पल। इसी प्रकार तद्वित प्रत्यय और कृत प्रत्यय का अंतर बताना है, तो अंतर कुछ नहीं है, कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ जुड़ के बनते हैं और तद्वित प्रत्यय क्रिया को छोड़ के बाकी जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण वजह उससे बनते हैं, भाई आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों आक, इसका देखो कृत क्या है, आक
और इससे बना तैराक। तो तैर क्या था, एक मूल धातु थी, इसके पीछे आग लग गया तो तैराक बन गया। और पंजाब इसमें ई है, पंजाब प्लस ई पंजाबी। अब पंजाब क्या दोस्तों, कोई हमारे यहाँ पे क्रिया थोड़ी है तो इसलिए यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होगा। जगड़ालू, जगड़ जगड़ना क्या है, एक क्रिया तो है, एक मूल धातु है जगड़ना, यानी जगड़ है ना तो लग जाएगा बाद में जगड़ना बन, तो जगड़ालू। मिलन, मिलनसार है ना, खिलाड़ी खेल से खिलाड़ी है ना, तो एक बिछोना, ये हमारे क्या है कृत वाले हैं। और ये दोस्तों कृपालु बुद्धिमान दैनिक भारतीय हमारे क्या है तद्धित वाले हैं। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस था। कर्मवाचक और कर्तृवाचक में क्या अंतर है, देखो दोस्तों जब जो भी मान लो कोई भी प्रत्यय है, चाहे वो कृत्व है चाहे तद्धित है, उसके अंत में जब भी कोई भी मतलब प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बनेगा, अगर वो कर्म बना, क्या बना, कर्म बना, तो कर्मवाचक हो जाएगा। अगर वो कर्म नहीं बना बल्कि कुछ कर्ता के रूप में बना, कुछ कर्ता की ओर इशारा कर रहा है, कर्ता के रूप से मतलब कर्ता का जो बोध है वहां से हो रहा है, तो कर्तृवाचक हो जाएगा। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़कर कर्म के अर्थ को प्रकट करे, अगर अंत में जुड़ के कोई नया वर्ड बना, वो कर्म के रूप में एक्ट कर रहा है, यानी उससे कैसा अर्थ प्रकट हो रहा है कर्म का, तो कर्मवाचक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ऊना से बिछोना बना, तो बिछोना तो क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोस्तों जब कृत प्रत्यय है, कोई भी प्रत्यय है धातु के पहले जुड़ के, तो क्रिया का जो मतलब कि क्या है वहां पे कर्ता का अर्थ प्रकट करेगा, कैसा अर्थ प्रकट करेगा, कर्ता का, एज ए कर्ता यूज होगा वो, है ना, कर्ता की ओर संकेत करेगा, तो कर्तृवाचक। तो वो ये जो अभी आपको बता के हटे सिंपल, कृदंत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृदंत अभी आपको बताया था क्रिया करना है ना, कृदंत का मतलब होता है क्रिया करना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखे ही आपको बताना, पाठक, पाठ प्लस अक, तो अक है यहाँ पे। कलाकार में कला प्लस कार, धनवान में धन प्लस वान, धन प्लस वान, ठीक है ना, घर वाला में घर प्लस वाला, कामगार में काम प्लस गार, रसोईया में क्या है दोस्तों, रसोईया में क्या होगा, रसोई प्लस या, रसोई, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको ईया दे देगा, ठीक है ना, या फिर आपको या दे देगा, या बड़ी ई लिख के ईया दे देगा, या फिर अय्या दे देगा, क्या दे देगा, अय्या। तो आपको पता होना चाहिए रसोई प्लस या होता है, रसोई प्लस या होता है रसोईया, इस बात का आपको याद रखना, ज्यादातर बच्चे ईया करके आते हैं, रसोई प्लस ईया, तो गलत है। ममेरा, ममेरा इसमें क्या होगा दोस्तों, ममेरे में मम प्लस एरा होगा, ठीक है ना, धार्मिक तो इजी है, इक हो जाएगा, खटास भी इजी है, आस हो जाएगा, लघुता भी इजी है, यहाँ पे ता हो जाएगा, तो जो मुश्किल है उसको आपको अलग से याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे शब्द लिखने थे उर्दू उपसर्गों के योग से बने हुए, अच्छा उर्दू उपसर्ग, कम प्लस जोर कमजोर, बद प्लस तमीज बदतमीज, हम शकल है ना, दरअसल लाजवाब, कोई भी लिख दो, तो ये दोस्तों क्या होंगे, उर्दू वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों उपसर्ग और प्रत्ययकाल, यहाँ पे आज की वीडियो थी हमारी, आज की क्लास थी। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।